के वास्ते आमेन। ऐसे Thank God for our brother Victor connecting us. Okay, right. Go ahead, please. Very good. Very nice. Very good. I'm trying to learn a little bit of the language too, so that I can understand you. So I want to share a word of encouragement out of the book of Exodus, chapter 3 and chapter 4. Exodus. And what is chapter 2? We are going to read us up to verse 10. And Evangelist Saeed will be leading. You just read and when you finish, then I'll just talk about it. Okay, apni hidayat. तो माइक के लिए हम देखेंगे खरूज किताब और उसकी सातवीं आयत से दसवीं आयत तक। खरूज किताब की सबाब सातवीं आयत से, और खुदा ने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, तो बेकार लेने वालों के सबब से है सुनी। उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, निकाल कर उनको अब एक अच्छे और रस्सी के तहत बहता है, यानी कनानियों और हितियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं, मैंने वो जुल्म भी जो अब आ मैं तुझे फैराओं के पास भेजता हूं, तेरी वो मिस्र से निकाल लाए। बांक पड़े और सुने आमेन आमेन आमेन। सो आई वांट टू शेयर दिस अज का कलाम जब दिस द मैसेज ऑफ द गॉस्पल मैसेज गॉस्पल मीन्स गुड न्यूज गॉस्पल किए खुशी दैट गॉड सेज आई हैव सीन द लिखे कि खुदा ने सतवीं आयत की लिखा कि मैं जो मिस्र में है उनका दुख मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कहने कि आई हैव हर्ड, मैंने उनकी आवाज चिल्लाने के बाद क्या है सुनी, इसलिए क्योंकि वो गुलामी चढ़ना और रह रहे सन उन्होंने अज सुबह समझांगे जानांगे ना आज भी जाना खुदा साड़ी आवाज लांग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू खुदा वेदा गॉड सी दैट्स फॉर यू